Hi guys, I'm Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for SNAP 2022 exam, because in this video, I am going to discuss one of the most important concerns that students are facing right now is how to cross 40 plus marks in SNAP mocks. Guys, अभी मॉक्स की बात कर रहे हैं क्योंकि मॉक्स में आएगा तभी कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर. गैस, काफी लोगों का पिंग आता रहता है कि मेरे 32-34 मार्क्स आ रहे हैं, कैसे 40 प्लस आए, किसी के 28 आ रहे हैं, कैसे आए. तो गैस, ये वीडियो में आपको हम क्लैरिटी देने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ रियलिटी क्या है, कि आपके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या रीजन है. वो आप लोगों को पता होता है बट काफी लोगों को नहीं पता होता है, एंड काफी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते. एंड आप लोग एक्चुअली जो करते हो वो मुझे पता है क्या करते हो आप, तो हम लोग उसकी बात भी करेंगे. तो गैस, यार वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, बिकॉज अभी भी काफी लोग जो 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट दे रहे हैं स्नैप के. तो अगर आप 10th को भी अटेम्प्ट दे रहे हो तो कोई बात नहीं, 18th वाला 23 में भी बहुत इंप्रूव कर सकते हो आप, बट सही से करोगे तो. जल्दी से गैस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोग हेल्प हो जाएगी. एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. तो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. गाइस, हम लोग का स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन करना. यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, क्वेश्चन पोस्ट होते रहते हैं. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर ए रेलिवेंट फ्री स्नैप मॉक विच रेप्लीकेट्स द एक्चुअल स्नैप, देन यू कैन चेक आउट द फ्री मॉक एट mockzone.in/snap. आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स के रिव्यूज ही मिल जाएंगे, ठीक है. तो गाइस, अब बात करते हैं कि स्नैप के मॉक से 40+ कैसे लाया जाए. तो गाइस, इसको हम 3 पार्ट से डिवाइड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मेनली 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं. एक स्टूडेंट है जिनका स्कोर आ रहा है 25 से 30 के बीच में, 28-27 ऐसा. दूसरी कैटेगरी जो है वो कौन सी कैटेगरी है, उनका स्कोर आ रहा है यू कैन से 30 से 35 के बीच में, ठीक है. और एक जो कैटेगरी है वो है 35 से 40 वाले, जनरली यही कैटेगरी है, ठीक है. तो गैस देखो, हमें तीनों कैटेगरी की बात करूंगा कि आप देख लो आप कौन सी कैटेगरी में लाइक कर रहे हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा. तो गैस, अगर आपका स्कोर 25 से 30 बीच में आ रहा है एक एवरेज मॉक में, बहुत टफ मॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वो रेलिवेंट नहीं रहेगा फिर, ठीक है. क्योंकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी भी है बट आपका 28 नंबर आ रहा है, जैसे आपका सपोज करो एनआई में 240 आया बट यहाँ पे 28 आ रहा था, आप एक तरह से मॉक जो दे रहे हो बहुत ही टफ है, वैसा स्नैप नहीं आता है, ठीक है. एक एवरेज अगर देखिए 4-5 साल का पेपर, तो 25 से 30 के एवरेज मॉक में अगर आपका आ रहा है तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा कि आपका सिलेबस, आपके आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस हो गया है, बट रियलिटी यही है कि आपने सिलेबस को सरफेस लेवल पर बस पढ़ा हुआ है, आपने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है, आपने बस चैप्टर के फॉर्मूलेज वगैरह उस कर लिए. आपका जो 25-30 नंबर आ रहा है वो थोड़ा इंग्लिश वगैरह की वजह से आ रहा है, एलआर की वजह से आ रहा है, या आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या करना है आपको. गैस, आपने अगर कहीं से कुछ कोचिंग ली है या कहीं से कैसे भी आपने पढ़ाई करी है, तो आप चैप्टर को जाकर कुछ चैप्टर्स पढ़ो, क्योंकि आपने चैप्टर में या तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम लगाए हैं या कुछ चैप्टर्स आपने छोड़ दिए हैं. तो पहली चीज क्या है, रीजन क्या है ना आने का नंबर, आपने चैप्टर्स को ढंग से डिटेल में नहीं पढ़ा है, आपने बस चैप्टर के फॉर्मूले पढ़ लिए. अब देखो, एक होता है सिलेबस कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट होने की डेफिनेशन सबके लिए अलग होती है. आप अगर क्वांटम गेट से परसेंटेज पढ़ते हो आप बोलोगे सिलेबस हो गया, ठीक है, बट खाली वो सिलेबस नहीं है ना, आपको जितना दिख रहा है आपको उतना ही लग रहा है सिलेबस है. तो ऐसा क्यों होता है कि हम सिलेबस कंप्लीट करने वाले 28 ही नंबर ला पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने काफी चीजें छोड़ दी जो आपको पता नहीं है, आपको लगता है इतना ही सिलेबस, आपको जितना दिखाया जा रहा है आपको वही लग रहा है सिलेबस, बट वैरायटी वाली बात होती है, वैरायटी आप नहीं कर पा रहे. तो देखो, 25-30 मार्क्स थोड़ा कम मार्क्स है बट ऐसा नहीं इम्प्रूव नहीं हो सकता, अगर सही तरह से तो बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर आपने ढंग से नहीं पढ़े, कौन से चैप्टर आपने ऊपर ऊपर से पढ़े. एंड दूसरा रीजन क्या होगा कि आपने कुछ चैप्टर से बिल्कुल पढ़े ही नहीं, जैसे आपने कुछ चैप्टर को इग्नोर मार दिया, अलजेब्रा नहीं पढ़ी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ी, ये सब कुछ काफी चैप्टर आपने नहीं पढ़े मेरे ख्याल से, इतना नंबर आने का रीजन ये, ठीक है. तो ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है कि आपने जो पढ़ा है वो सरफेस लेवल पढ़ा हुआ है, उसका वो करना पड़ेगा. तो उसका उसका सोल्यूशन क्या है, आपने जिस भी कोचिंग से ज्वाइन किया है वहां पे जाके आप लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग देखो, ठीक है, आप उनका देखो क्या रिकॉर्डिंग है, उनकी प्रैक्टिस शीट लगाओ. अगर उन्होंने क्लास में सब कुछ कराया ढंग से डिटेल में तो वही करो, अपना प्रैक्टिस शीट लगाओ. प्रैक्टिस का टाइम तो है नहीं तो आप यूट्यूब से सर्च करो फिर उस केस में, बट आपको वैरायटी देखनी पड़ेगी उस केस में, ठीक है. और आपने कोई चैप्टर का छोड़ रखा है, जैसे क्वालिटी क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, एबीजी भी नहीं पढ़ा, उसको पढ़ो, ठीक है. तो ये करना पड़ेगा, तो ये तो करना ही पड़ेगा. उसके अलावा फिर आपको ये दोनों चीजें करनी है, आपको ये दोनों चीजें तो जो पॉपुलर टॉपिक्स है उसके लिए करनी है. फिर आपको अनकॉमन टॉपिक्स से फोकस करना है, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंस, क्योंकि हमको गाइस 28 मार्क्स से 40+ लेके जाना है, तो उतना आसान नहीं है. तो आपको पहले ये बेसिक वाली चीजें करनी होंगी, फिर आपको अनकॉमन टॉपिक से पीएचडी करनी होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंस, ये सब. ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज है, आपको बस टॉपिक्स का अगर कंटेंट मिल गया तो आपको पढ़ना ही उसको, बस पढ़ लो, ठीक है. और फिर लास्ट में थोड़ा एनएस लेवल पे और वैरायटी करनी होगी एक अच्छे डिटेल मैनर में, जैसे
जैसे पी वाई क्यूज कर लिए, पास पेपर डिस्कशंस देख लिए हैं आपने मान लो, और भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन देख लिए वो सब, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी वाकई अगर आप 28 से 40 ला रहे हो। आप लोग एक्चुअली करते क्या हो, आपका अगर 28 मार्क्स आ रहा है, आप लोग मॉक ही मॉक देते रहते हो, सोचते हो किसी तरह अगर एक बार 40 आ जाए, 10 में से एक बार 40 आ भी गया धोखे से ना, वो माना नहीं जाएगा गाइस, कंसिस्टेंसी मानी जाएगी, ठीक है। तो गाइस मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा करने से पक्का 40+ आ जाएगा, बट डेफिनेटली आप इंप्रूव हो जाओगे काफी। 28 अगर अभी आ रहा है तो बाद में 36 आएगा, ये हो जाएगा। और अगर कंटेंट डिटेल्ड है, रेलिवेंट है आपके पास, तो आपका आ भी जाएगा 40+, क्योंकि लोगों का 20 से 40 होते देखा है लास्ट ईयर, लोगों का हुआ है, लोगों का 18 से 36 आया है। जिस बंदे का 15 मॉक में 18 नंबर आता था, उसी बंदे का स्नैप में 36 मार्क्स आया है, ठीक है। अब गाइज ये जो कैटेगरी है बहुत लोग लाइक करते हैं, 30 से 35 वाली कैटेगरी। यहाँ पे क्या है कि आपने आपने हर आपने मेन मेन चैप्टर्स को ढंग से पढ़ा है, ठीक ठाक पढ़ा है, 30 से 33 आपका आ रहा है, बट स्टिल आपने कुछ चैप्टर छोड़ रखे हैं जो अनकॉमन टॉपिक्स होते हैं, वो आपने छोड़ रखे हैं, और जो चैप्टर्स आपने पढ़े भी इवन उनमें भी थोड़ा सा आपको वर्क करने की और जरूरत है, आपको और वेराइटी देखने की जरूरत है, ठीक है। जैसे आपको ज्योमेट्री वी की ज्योमेट्री आपने नहीं देखी ढंग से, तो इन लोगों को क्या करना है, इन लोगों को सारे टॉपिक्स को कवर करना है, कुछ नहीं छोड़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लॉगरिथम्स, आपका जो भी इंग्लिश में है, एलआर में आपका जो भी रह गया है, वो सब आपको करना है। क्लॉक्स, कैलेंडर्स, ये आपको करना है, ठीक है। और गाइस मेनली सबसे ज्यादा लोग इसी में एक्चुअली लाई करते हैं। इन लोग को पहला काम क्या करना है कि आपको अनकॉमन टॉपिक जो आप छोड़े बैठे हो, सोच रहे हो ये तो आएंगे एग्जाम में, वो आपको सब करना है कवर। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपने जो टॉपिक्स कर रखे हैं उसकी वैरायटी में फोकस करो, और वैरायटी क्या क्या हो सकती है उसकी, क्योंकि वैरायटी मैं वैरायटी वैरायटी क्यों करता हूँ बार बार। स्नैप गाइस ऐसा एग्जाम है कि सामने आप बैठे हो, एग्जाम के सामने जो क्वेश्चन आया है एग्जैक्टली उसी टाइप का क्वेश्चन अगर पहले लगाया हुआ है तो कर लोगे, कुछ नया अगर आया तो आपको टाइम लगेगा, नहीं कर पाओगे। और जनरली ऐसा होगा नहीं, बहुत ही रेयर केस में होगा कि नया क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, ठीक है, वैरायटी रहती है मतलब, ठीक है। तो आपको वो देखना पड़ेगा, प्लस आपको भी पी वाई क्यूज फोकस करने पड़ेंगे, पी वाई क्यूज में काम करना पड़ेगा आपको। तो 30-35 वालों को अनकॉमन टॉपिक्स करने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है, और आपने जो टॉपिक्स कर भी रखे हैं उसमें और डिटेल में जाना है, और वैरायटी कवर करनी है अच्छे से, ठीक है, और पी वाई क्यूज वगैरह फॉलो करो, ठीक है। अब गाइस जो 35 से 40 वाले हैं, मतलब जिनका 37-38 आ रहा है, मुझे लगता है इनके जो चैप्टर्स जो पॉपुलर चैप्टर्स हैं उनके अच्छे से हो गए हैं। इनके साथ दिक्कत क्या आ रही होगी कि इनका इनका भी यही केस होगा अनकॉमन टॉपिक्स वाला, इन्होंने अनकॉमन टॉपिक्स को पढ़ा होगा पर डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि इन्होंने और वैरायटी और अच्छे से वैरायटी नहीं करी है, वो वैरायटी को करनी है और अच्छे से, जैसे 4-5 साल के पेपर देख लो, वो सब अच्छे से करो, ठीक है, और अपने वीक एरियाज को लिख के उस पर काम करो, ठीक है। इनको क्या करना है गाइस, 38-37 वालों को, इन्होंने काफी कुछ कर रखा है, ठीक है, बट इनको इनको मेन मेन टॉपिक्स में इतना फोकस नहीं करना है, जो इनको जो पॉपुलर टॉपिक्स हैं इनको बस अनकॉमन टॉपिक्स थोड़ा और काम करना है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छा क्वेश्चन आगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो फंस जाता है इनका नंबर, ठीक है। और इनको पी वाई क्यू थोड़े देखने हैं अच्छे से 4-5 साल के। और आपको मैं बोलूंगा अगर आपका इतना आ रहा है और आपका एग्जाम 18-23 को, आप थोड़ा आई एफ टी के क्वेश्चन देख लो, ठीक है, आई एफ टी थोड़ा देखने को देख सकते हो, ऐसा नहीं कोई रूल नहीं है, बट स्टिल मेरा मतलब है थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे चले जाओ तो और अच्छा हो जाएगा आपका। अब हो भाई, मतलब बहुत पास्ट के कैट के पेपर्स भी देख सकते हो आप, ठीक है, बट पहले फोकस ये करो अनकॉमन टॉपिक्स और नॉन कैट के ही पी वाई क्यूज देखो। तो ये 3 चीजें हैं। तो गैस जैसा आपका स्कोर उसके अकॉर्डिंग है, और गैस काफी लोग सोचते हैं खाली मॉक देके इम्प्रूव हो जाएगा, मॉक देके आप 4-5 नंबर बढ़ा सकते हो, बट 12-15 नंबर मॉक देके कोई लक होगा तो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं बढ़ेगा गैस। ये चीजें काफी काफी लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। गैस यहाँ पे मैंने बिल्कुल एक अनबायस और रियलिस्टिक रीजन दिया है, ठीक है, आपने किसी भी कोचिंग से ज्वाइन किया हो आप वहीं पे पढ़ो अच्छे से, ठीक है, बट वैरायटी होना जरूरी है, ठीक है। कई बार गलती आपकी होती है, कई बार जहां से लिया होता है वहां पे भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, कि आपको जितना दिखाया जा रहा है आपको लगता है उतना ही सिलेबस है, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नॉन कैट में सिलेबस काफी वास्ट होता है और काफी वैरायटी होती है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो गैस आप लोग को, तीनों लोगों को समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है एक्चुअली, तो अच्छे से करो, वैरायटी करो, पी वाई क्यूज करो, ठीक है। तो कुछ पॉइंट मैं समराइज कर रहा हूँ, सारे चैप्टर्स को छोड़ो मत, हर चैप्टर करके जाओ, जो चैप्टर आपको बहुत टफ लगता है उसका भी कुछ ना कुछ करके जाओ। सपोज करो लॉगरिथम से आपको बहुत टफ लगता है, एटलीस्ट कुछ बेसिक करके चले जाओ लॉगरिथम, कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन भी अगर आ गया ना तो आप वो कर लोगे, ठीक है, ये बोल रहा हूँ मैं। जैसे मान लो क्वेश्चन यही आ गया एग्जाम में, log√2 4 की वैल्यू निकालो, इतना क्वेश्चन आ गया मान, ठीक है, तो उसको मान लेंगे हम एक्स, ये चला जाएगा ऊपर, फिर 4√2 की पावर x हो जाएगा, तो आप करके एक्स निकाल लोगे। तो ये होता है छोटी मोटी चीजें जो आपको आनी चाहिए लॉग में, अगर आपको लॉग में कुछ नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो समराइज क्या कर रहा हूँ, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है गैस,
चाहे आपको जो डबिट फ्लावर उससे कुछ बेसिक करके जाओ। इसका रीजन क्या है, अर्थमेटिक आप करके गए, अर्थमेटिक से 5 क्वेश्चन बहुत टफ आ गए, बिल्कुल कैट लेवल के आ गए। बट स्टैटिस्टिक्स से 2 क्वेश्चन आए बहुत ईजी, हाइट्स एंड डिस्टेंस से बहुत ईजी क्वेश्चन आए, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ईजी क्वेश्चन आ गए, बाइनोमियल का एक बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया। आप ये कुछ पढ़ के नहीं गए थे, तो आपका अर्थमेटिक तो गया साथ में ये भी चला गया, तो आपके कितने नंबर आएंगे फिर मैथ्स में, 8 नंबर आएंगे, 7 नंबर आएंगे, इतने आएंगे बस। इसको बोलोगे आप पेपर टफ आ गया, जबकि आपको बार बार बोला जा रहा है कि वैरायटी करनी पड़ेगी आप, ठीक है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी आप लोगों, तो ये काम करना है। फिर आपको कुछ पॉपुलर क्वेश्चन देखने चाहिए, PYQs देखने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है। तो गाइस आई गेस इस वीडियो से काफी क्लैरिटी आ गई होगी, आपको एक रियलिस्टिक फिगर मिल गया होगा, ठीक है। और ज्यादा रिजल्ट का मत सोचो, आप बस मेहनत करते रहो, एनालाइज करते रहो, अपने वीक एरिया को स्ट्रांग बदलते रहो, बस आपका नंबर आ जाएगा। गैस ऐसा नहीं है कि जिनका अभी 28 नंबर आपको आएगा नहीं, हमने बहुत लोगों को देखा लास्ट ईयर जिनका 27 28 मार्क्स आता था, उनका भी 39 40 41 आया है, ठीक है। बट बहुत लोगों का नहीं होता है, पर उन्होंने मेहनत की इसलिए उनका आया है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एंड टाइम पे काफी मेहनत करी है, मतलब काफी रेलिवेंट कंटेंट पढ़ा है, डिटेल मैंने पढ़ा है, ठीक है। सो गैस अभी भी कुछ लोग हैं जिनको एक प्रॉपर डिटेल्ड कंटेंट चाहिए, आपको लग रहा होगा टाइम कम है, मैं मानता हूँ 10th के लिए टाइम कम है थोड़ा, 10th में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट 18th और 22 के लिए बहुत टाइम है आपके पास। अगर आप पूरा दिन में 8 से 10 घंटा दे सकते हो, क्योंकि गैस कंटेंट रेलिवेंट आपके पास रहेगा, आपको कहीं भागना नहीं यहाँ वहाँ, क्योंकि आधा टाइम आपका जाता है यहाँ वहाँ घूमने में, ठीक है। तो एक प्रॉपर वे में देखोगे आप तो 40+ लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी यहाँ पे, जहाँ पे हमने मेन मेन टॉपिक्स करा रखे हैं, BNC प्रोबेबिलिटी 15 लेक्चर्स, नंबर्स पूरा करा रखा है, ज्योमेट्री पूरा करा रखा है, क्यूब्स एंड क्यूब्स वगैरह पूरा करा रखा है, सॉरी क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स करा रखा है, VRC के 18 वीडियोज हैं, ठीक है। ये सब चीजें पूरे प्रॉपर हैं, क्रिटिकल रीजनिंग के 12 वीडियोज, 300 मोस्ट रिपीटेड शॉर्टकट्स आपको मिलेंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्नैप भी दे देता है, 400 क्वेश्चन से आपके नॉन कैट सारे एग्जाम से, चाहे आपका टेस्ट हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे SRCC हो, ये 400 नॉन कैट PYQs आपको मिलेंगे, क्वेश्चन जो बहुत काम के होंगे, जो आपको अगर आप ढूंढोगे तो आपको 5 6 बुके ढूंढ देखनी पड़ेंगी, PDF ढूंढ, फिर आप सॉल्व करोगे, ये आपको बना बनाया सब सॉल्व मिल रहा है। व्हाट्सएप प्रैक्टिस सेशन लगातार चल रहे हैं, क्वेश्चन पोस्ट हो रहे हैं ग्रुप में, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे वैरायटी, ठीक है। 15 फुल लेंथ स्नैप के मॉक्स आपकी काफी हेल्प करेंगे, बहुत ही रेप्लिका है, 1999 का कंप्लीट कोर्स है। गैस 1999 बहुत बड़ा प्राइस नहीं है इकोनॉमिकली, बिकॉज 800 का मॉक्स ही है, और गैस आप लोगों ने इतना पैसा दिया है 8,000 10,000 फॉर्म्स में, तो डेफिनेटली आप ये लेके, अगर आप ये लेके अगर आप 15 20 दिन अच्छे से कर लेते हो, और अच्छी बात पता है क्या है, इसका मैंने आपको पूरा प्रॉपर शेड्यूल दिया वो कैसे करना है, मैंने एक लाइव सेशन किया था, वो वीडियो दूंगा आप, बिल्कुल उस पर स्टिक हो जाओ, वो मैंने 1 दिसंबर से बनाया कि 1 दिसंबर से कैसे करना है, 1 दिसंबर से उस पर स्टिक हो जाओ बिल्कुल, आपका जो भी परफॉर्मेंस होगा वो बेस्ट परफॉर्मेंस होगा इस टाइम पे, मतलब इससे बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता कुछ, तो ये कंटेंट रिलेवेंट है प्लस स्ट्रेटेजी रिलेवेंट है, ठीक है। तो गाइस ये चीज है, ठीक है। तो आई गेस क्लियर हो गया वो सबको, ठीक है। तो बाकी तो चलते हैं फिर अब आगे। सो गाइस इफ यू लुकिंग फॉर रेलेवेंट फ्री मॉक, इन दैट केस यू कैन चेक आउट अवर स्नैप के मॉक्स, ठीक है। 799 के 15 फुल लेंथ मॉक्स हैं, काफी ज्यादा रेलेवेंट है, ठीक है, और अच्छे पैटर्न पे हैं, ठीक है, बिल्कुल रेप्लिका है एज पर द एक्चुअल स्नैप, ठीक है। एंड मैट के मॉक्स 799 के हैं, 12 हैं कंप्लीट स्नैप प्लस एंड मैट, 1400 के हैं, ठीक है, 1400 के हैं। बाकी गाइस ये रिव्यूज हैं क्लास के, यू कैन चेक, ठीक है। काफी अच्छा लग रहा है लोगों को कोर्स, ठीक है, देख सकते हो आप ये। बाकी रिजल्ट्स आप देख सकते हो सीमैट के, हम लोगों के सीमैट SRCC सबके रिजल्ट्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ये आप रिव्यूज हैं, ये स्नैप के लास्ट ईयर रिजल्ट्स आप देख सकते हो, ठीक है। सो गाइज दिस वॉज ऑल ओवर द वीडियो, बाकी हम लोग का सीमैट एंड SRCC का बैच, डेडिकेटेड बैच स्टार्ट हो रहा है 8 दिसंबर से, सीमैट कोर्स 4000 का, SRCC 3500 का, MBA CET का 20 दिसंबर से एक्सक्लूसिव बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। इसमें टेस्ट भी स्टार्ट हो रहा है 8 दिसंबर से, ठीक है। बाकी फॉर एनी क्वेरीज यू कैन व्हाट्सएप एट दिस नंबर, ये नंबर में यहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हो, एंड मॉक्स एंड कोर्स के लिए स्नैप में जाओ, moxsem.in/snap। चलो गाइज ऑल द बेस्ट, बाय बाय।